दिल्ली की पूर्व महापौर सरिता चौधरी ने पत्रकार वार्ता में अपने पति और पूर्व भाजपा नेता आजाद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरिता चौधरी ने कहा कि उनके पति और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आजाद सिंह ने पिछले 10 सालों में उन पर तरह तरह के अत्याचार किए हैं। सरिता चौधरी ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए कहा कि उन्हें लगभग हर रोज घरेलू और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। सरिता चौधरी ने कहा कि उनके पति उनकी बहन के साथ शादी रचा कर उन्हें तलाक देना चाहते हैं। सरिता चौधरी की माता ने भी यह स्वीकार किया। आजाद सिंह की इस मंशा का जब सरिता ने विरोध किया तभी से उन पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। यही वजह है कि बीते कई सालों से आजाद सिंह ने उनके जीवन को नरक जैसा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरिता चौधरी ने आजाद सिंह के चरित्र पर आरोप लगाया और कहा कि उनके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। कई बार आजाद सिंह दूसरी महिलाओं के साथ शहर से बाहर होटलों में रुकते हैं। बेटे को भी मेरे खिलाफ इस तरह से एक मेरी छवि ऐसी पेश करने की का प्रयास किया गया जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं। इस पर भी इस व्यक्ति काजली जैन मेरी छोटी बहन से शादी करना चाहता है, मेरी छोटी बहन से शादी करना चाहता है। जब मैंने मना किया तो मुझे और ज्यादा प्रताड़नाएं देने शुरू कर दी गई, मारा गया, पीटा गया। मैं सबके सामने रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ आदमी की, वो कैसा गंदा आदमी है। वो कभी किसी और अपने स्कूल की प्रिंसिपल को लेकर उदयपुर गया,